सुपर मार्केट सिम्युलेटर। देखो इस गेम के हमने काफी सारे एपिसोड अब तक के निकाले हैं, बट स्टिल हमने अपने सुपर मार्केट को डुबा दिया है। जैसे कि तुम टॉप राइट कॉर्नर पे देख सकते हो -$161 है। अब मैंने कुछ गलतियां करी थी इस बिजनेस में, जिसकी वजह से हमारा यह हाल हो चुका है। मैंने दो दो लोन्स लिए थे ताकि हम लोग इस बिजनेस को बूस्ट कर सके, बट हुआ उल्टा ही। लोन का पैसा इतना ज्यादा देना पड़ रहा था हमको कि पैसा हमारे पास बच नहीं रहा था, हमारे पास नेगेटिव रुपया हो रहा था। बट फिलहाल सारे के सारे जो दोनों लोन्स लिए थे मैंने, एक तो $750 वाला और सेकंड $2000 वाला, वो हट चुका है। हमारे ऊपर अभी कोई भी लोन नहीं है। तो फिलहाल अभी हम लोग ना जितना भी चीजें कमाएंगे इस दुकान से वो सब कुछ अपना ही हो जाएगा, बस थोड़ा बहुत रेंट वेंट में जाएगा। तो हाँ, हम लोग आ चुके हैं एक नई शुरुआत करने। यार मैंने लास्ट वीडियो में यही बोला था कि नई शुरुआत करते, बट लास्ट वीडियो में एक ग्लिच हो गया था। हमने लोन पे कर दिया था बट लोन फिर भी कटे जा रहा था, हर दिन का पैसा कट रहा था जबकि हमने पूरा पे कर दिया था। तो आई होप आज ये सारी चीजें ना हो, ये ग्लिचेस ना हो, बिकॉज मैं काफी दिनों बाद सुपर मार्केट से मैं वापस खेल रहा हूँ। एंड अभी हमारे पास कुछ इतना सामान पड़ा है, दुकान में काफी कम सामान है आई नो, बट हाँ हम लोग धीरे धीरे अपने इन्वेंट्री बढ़ाएंगे। भाई पूरा का पूरा दुकान खाली है यार, बहुत ज्यादा हमारे पास स्पेस है बट सामान इतना सा कम है। ऐसा इसीलिए बिकॉज इस गेम में हमने काफी ज्यादा, समझ रहे हो, बहुत ही ज्यादा खतरनाक से प्रोग्रेस करी थी, बट सब कुछ लूट चुका है फिलहाल। तो इवन अपने पास ये जो दो रैक्स है ना, इसके जगह लाइक हमारे पास और बहुत सारे रैक हुआ करते थे। ये पूरी दीवार भर चुकी थी, ये दीवार भर चुकी थी। इनफैक्ट यहाँ पे बीच में भी मतलब इतने सारे रैक स्टैंड, इतने सारे सामान हमारे पास हुआ करते थे, बट अब देखो बस इतनी सी चीज है। पर हम लोग हार नहीं मान रहे, हम लोग यही से अपने शॉप को उठाने की कोशिश करेंगे। मैंने एक एम्प्लॉय भी हायर कर रखा था जो कि अपने आप सामान भरता था, बट वो ढंग से काम नहीं करता था यार, तो मैंने उसको फायर कर दिया। फिलहाल अपने पास सिर्फ एक ही एम्प्लॉय काम कर रहा है जो कि ठीक ठाक काम कर लेता है। तो यहाँ पे जो अपने पास सामान पड़ा है उसको वापस मैं थोड़ा भर देता हूँ, जो एक्स्ट्रा सामान अपने पास था, एंड इसको फेंक देते हैं इधर डस्टबिन के अंदर। एंड इधर अपने पास ये बिस्किट्स है तो ये ज्यादा खत्म नहीं हुआ है, बट हाँ रख देता हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे बची है भाई, यहाँ पे और आ जाएगा, यहाँ पे भी रख ही देते हैं अभी। एंड इसमें फ्रेश फ्रेश जूसेस है तो जूसेस को रख दो यहाँ पर। ऑरेंज जूस, बायो जूस, ओके खत्म हो चुका है ये। बाय द वे हमारे सुपर मार्केट का लेवल नंबर 17 है, पर पैसा नहीं है। दिक्कत तो वही है। फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ कि हमारा जो कैश है वो जो -$24 है, पहले तो -$116 था, तो वो पॉजिटिव हो जाए एंड अपने पास कुछ पैसा आ जाए तो मैं सामान खरीदूँ एंड यहाँ पर वापस भर दूँ। एंड मैं वापस भरूंगा तो देखो इसको कुछ तो नहीं मिला। क्या नहीं मिला भाई साहब, बताइए आपको। आपको 2 packages ऑलिव ऑयल नहीं मिला और उसको मिल्क नहीं मिला था। तो देखो काफी सारे आइटम्स है जो अपने शॉप में हम लोग बेच सकते हैं, बट फिलहाल उनको नहीं बेच रहे। क्यों नहीं बेच रहे? क्योंकि भाई ऑब्वियसली पैसों की कमी है। हाँ तो फाइनली अपना पॉजिटिव तो हो चुका है अमाउंट $11.98। और अपने पास ना ये फ्रिज में काफी सारा सामान, इसकी प्राइस एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छी खासी प्राइस है इसकी भी। इसकी भी प्राइस थोड़ी हम ज्यादा में ही बेच रहे हैं, इसको $4 में ज्यादा में ही बेच रहे हैं। इसको भी अच्छे खासे प्राइस में हम लोग बेच रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं एंड अपने को मस्त पैसा कमा कर दे रहे हैं। ओके $32 हो चुके हैं। एंड अपने पास देखो शुगर है और ये बाकी कुछ भी नहीं अपने पास लेजिट। एंड इधर ये चोकी पिक और वो बिस्किट ही है, तो बाकी सारा सामान अपन मंगा लेते हैं फटाफट से। मार्केट में जाते हैं एंड ब्रेड मंगा लेते हैं एक पैकेट, आटा मंगा लेते हैं, ये वाला ऑयल मंगा लेते हैं, पास्ता, शुगर, चलो इतना सामान पहले मंगाते हैं, परचेस, लेट्स गो। अब अपने पास वापस $0.45 बचे हैं। अभी इसके बाद मैं कोई ऑर्डर नहीं मंगाऊंगा बिकॉज ना मेरे को कुछ अमाउंट ऑफ पैसा चाहिए अपने बैंक में भाई, $0 कुछ अगर इमरजेंसी आगे तो क्या करेंगे हम लोग, हाँ कुछ तो चाहिए अपने पास। ठीक है, मैं शुगर यहाँ पे रख देता हूँ। और ये शुगर का नाम सुसु क्यू है, मुझे पता नहीं है क्यों है भाई, ये अजीब सा ब्रांड बना रखा है इन्होंने शुगर का। इधर हमने पास्ता लाया था तो पास्ता को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आ जाओ पास्ता खाओ, पास्ता बनाओ। अरे यहाँ पे मैगी का अपने को लाइसेंस नहीं मिला है अभी तक, मेरे को मैगी बेचनी थी। एक तो मैं इस येलो ऑयल को देखता हूँ तो मेरे को सीधा मैगी की याद आ जाती है। एंड फिलहाल शाम होने वाली है तो लाइट्स ऑन कर देते हैं। यस, इधर है आटा एंड मैं आटा को यहाँ पे रख देता हूँ। एंड इधर है ब्रेड्स, तो ब्रेड्स को हम लोग रखेंगे शुगर के साइड में। भाई ये नमक जो नीचे मैं बेच रहा हूँ उसको साला कोई खरीदता है या नहीं खरीदता भाई, बिकॉज ना वो काफी दिनों से उतने की उतने ही डिब्बे है। क्या इसी में काफी महंगे में बेच रहे हैं फिर क्या? 2.55 भाई, सस्ते में बेच रहा हूँ फिर भी कोई नहीं खरीद रहा है इसको, तो मार्केट प्राइस पे बेचूंगा मैं तो अभी। ओके उस मैडम जी ने नमक ले लिया है। ओके यहाँ से भी कुछ तो ले लिया, ऊपर से क्या ले रही है भाई, मैजिक क्या है? और इधर भी आ रही है वो, ये मैडम जी काफी ज्यादा सामान ले रही है, अपने को ऐसा ही कस्टमर चाहिए। देखते इसने क्या क्या लिया। इसने नमक लिया, इसने एक पास्ता भी लिया है और इसने बायो जूस लिया है, और तीन बायो जूस लिया भाई इसने और पास्ता भी लिया। कितना? ओके ज्यादा का सामान नहीं, ये घपला तो नहीं कर रहा भाई, क्योंकि अब उसने इतना सारा सामान लिया बट सिर्फ $23-24 ही अपने बड़े थे। फिलहाल अपने पास $100 हो चुके हैं, $120 हो चुके हैं, बट अभी मैं सामान नहीं मंगाने वाला हूँ क्योंकि मैं अभी अगले दिन का आने का वेट करता हूँ। थोड़ा बैलेंस ज्यादा दिखना चाहिए ना, 137 अपने पास -161 थे तो अभी +161 रहना चाहिए आज के दिन के एंड तक, क्योंकि वो बहुत गंदा दिखता है।
यार जब अपने वो राइट टॉप राइट कॉर्नर पे $0 की कैश दिख रही है, छोटा सा कैश दिख, ठीक है अभी अपने पास ठीक ठाक सामान तो है, लाइक जितने रैक्स है वो भरे भरे दिख रहे हैं। आज का दिन फिनिश करते हैं एंड होप सो प्लीज आज अपना वो ना कटे पैसा, अपने पास बैलेंस $137 रहेगा। अरे यार ये कैसा रेंट और लोन, व्हाट द हेल मैन, ये लोन का मेरा पैसा क्यों कट रहा है बे, अजीब सा गंदा सा, इतना गंदा ग्लिच है, एक गंदा घटिया गेम है भाई, एकदम ही घटिया गेम है। मैं अपना अब तो ना मैं लोन ही ले रहा हूँ, तो लोन का पैसा काट रहा है, नहीं ये बिना फालतू से, देखा वहाँ पे लिखा था कि लोन का पैसा कट गया है करके, अब मैं बैंक में जाके मैं लोन ले रहा हूँ भाई, 5 दिन का लोन ले रहा हूँ मैं, टेक लोन एंड ये भी टेक लोन, एकदम ही खतरनाक सा 2500 का मैंने बैलेंस कर दिया। अभी ना मैं पूरा इन्वेंटरी भर देता हूँ, सबसे पहले तो मैं रैक मंगाऊंगा, पूरा मार्केट तबाह कर देता है आज, अभी फर्नीचर में जाते हैं, 2 शेल्फ मंगा लो भैया मस्त तरीके से, एंड हाँ बस 2 शेल्फ हमने मंगा लिया, एंड एक और ना चेकआउट का मेरे को लगाना चाहिए क्या, नहीं फिलहाल रुको प्रोडक्ट्स पहले बेचते हैं अपन, पहले प्रोडक्ट्स ठीक है, ये दो तीन मंगा लो, ओके $563 का अपन ने कर दिया, मैं कर दे रहा हूँ इसको परचेस, फिलहाल एक एक आइटम ही मंगाते हैं, रुको सारे आइटम्स अपने पास होने चाहिए, तो एक एक आइटम्स मैं मंगा रहा हूँ, मैंने परचेस कर लिया, अब इसको ऐड टू कार्ट, सबको ऐड टू कार्ट करेंगे हम लोग एंड सभी चीजें बेचेंगे, क्योंकि वैसे भी अपना लोन का पैसा कट ही रहा था, अच्छा है हमने और एक लोन ले लिया एंड अभी फटाफट से अपने बिजनेस के ग्रोथ को फास्ट करते हैं, सारा सामान मंगाते हैं, सब सामान बिकेगा मस्त, कोई कस्टमर आएगा तो वापस नहीं जाएगा, तो बहुत अच्छी चीज हो जाएगी अपने साथ। अरे मैक्स में बातें करते करते बटर तक के हम लोग आ चुके थे, तो बटर के बाद वापस अपने को खरीदना पड़ेगा, किधर गया बटर चीज कॉम चीज ओके यहाँ तक के होगा अपना, तो कॉफी मंगाते, अंडे मिल्क का रेट सस्ता चल रहा है, पास्ता का रेट सस्ता चल रहा है, तो और मंगाओ उसको एंड इसको मंगा लो एंड इसको मंगा लो एंड ओलिव ऑयल को मंगा लो एंड इस पास्ता स्पैगेटी को मंगा लो, ओके परचेस। अब उसके बाद राइस बासमती मंगाते हैं, सॉल्ट मंगाते हैं, देख रहे हो मैं कितना सारा आइटम मंगा रहा हूँ इधर, सोडा वोडा सब मंगाएंगे भाई, सब मंगाएंगे, केक तक के हम लोग पहुंच चुके हैं एंड यस मैंने परचेस कर लिया, अब इधर कैंडी एंड इधर ये सीरियल चॉकलेट बार योगर्ट सब मंगा लो, लेट्स गो परचेस। और मैं स्टोरेज एरिया के लिए एक रैक भी खरीदूंगा, स्मॉल रैक, यस एड टू कार्ट परचेस कर लिया मैंने, और एक एम्प्लॉय भी हायर करते हैं अपन लोग मैनेजमेंट में जाके, मैं एकदम ही खतरनाक काम करूंगा, अभी रिस्टॉकर मैंने हायर कर लिया, आज के दिन के लिए हायर करते हैं इसको, क्योंकि अपने पास बहुत सारा सामान आ चुका है एंड ये देखो भाई पूरा सामान ही सामान है, ये रैक मैं इधर स्टोरेज बॉक्स में रख रहा हूँ, ओके मैंने यहाँ पे एक रैक रख लिया, अब मेरा काम रहेगा कि बस ये एक काम करते इधर एक शेल्फ भी इधर ऐड कर देते हैं, ओके मैंने एक यहाँ पर शेल्फ भी ऐड कर दिया है एंड अभी अपने पास इतने सारे जो बॉक्सेस है ना अपने को सबको उठा के इधर रख देने का है, अब ये आएगा एंड रिस्टॉकर उधर उठा के रखेगा उसको, इसको भाई बहुत काम करने का है रिस्टॉकर को, भले अगर जरूरत पड़े तो मैं यहाँ पर एक और रैक भी मंगाना ही पड़ेगा अपने को रैक, वैसे तो जरूरत तो है ही भाई, बहुत ज्यादा बॉक्सेस हो चुके अपने पास, कुछ ज्यादा ही सामान मैंने मंगा लिया है अचानक से, पूरा भर दूंगा मैं इसको, तो अभी दुकान को अपने यहाँ पे रख नहीं सका, यहाँ पे मैं रख सकता हूँ ये चीज, आई थिंक ये सेम डब्बे होंगे इसलिए मैं रख पाया, भरो भाई फटाफट से पूरे बॉक्सेस में रैक में डालूंगा एंड ये वाला जो अपना रिस्टॉकर है उसको दुकान में डालेगा, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा अपना सारा काम, रिस्टॉकर काम कर रहा है, यस ये वाला रिस्टॉकर अच्छा है, मस्त काम करता है, मेरा अभी भी $1224 पेंडिंग है, मतलब अपने पास बचे हुए, फिलहाल उनको मैं खर्चा नहीं करूंगा बिकॉज अपने को वही वापस लोन वन सब भी चुकाने का रहता है, तो अच्छा रहेगा वो, बट अभी मैं लाइक देखो पूरा सामान है पर लोड हो रहा है मस्त अच्छे तरीके से एंड इधर कस्टमर्स आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है वो, इधर मैं रख देता हूँ, मेरा काम है बस यहाँ पर रैक में सामान रखने का, बाकी काम अपना रिस्टॉकर संभालेगा है कि नहीं, यस। फिलहाल रात हो चुकी है, मैं बत्ती जला देता हूँ दुकान की, क्योंकि मैं तंग आ चुका था भाई, मेरे पास लोन नहीं था फिर भी बैंक वाले लोन का मेरा पैसा काट रहे थे, तो मैंने वापस लोन ही ले लिया फिर सीधा, अभी रिस्टॉकर ना थोड़ा कम हो गया भाई काम इसका, तो इसको नावरे लोग कॉफी नहीं मिली, अरे भाई सब मैम मिलेगा, वेट तो कीजिए थोड़ा, इधर भी एक लाइट लगाने की जरूरत है अपने को, बट फिलहाल अंधेरे में ही काम चला लेंगे क्योंकि अपने पास पैसों की कमी है, हम लोग लोन लेकर अपना दुकान संभाल रहे इधर है कि नहीं, तो वही पैसों की कमी है, तो फिलहाल हम लोग ये सारी चीजें नहीं करेंगे, अंधेरे में काम चल सकता है तो चला लेंगे भाई, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल थोड़ा बहुत रिस्टॉकर की जगह मैं भी काम कर ही लेता हूँ, ओके तो आज का दिन कम्प्लीट हो चुका है, बट रिस्टॉकर काम कर रहा है तो इसको काम करने देते हैं, फिर कल इसको फायर कर देंगे, आज इसे जितना मर्जी काम करा लेते हैं है कि नहीं, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर ना लाइट लेकर लगा लेना चाहिए, वैसे अभी लाइट मैं लू ले नहीं सकता बिकॉज 9 बजे हो चुके रात के, फिर भी एक बार ट्राई करते हैं लाइट लेने का, मार्केटप्लेस में जाते हैं एंड फर्नीचर्स में जाके एक ऐड टू कार्ट करके इसको देखो परचेस नहीं कर सकते, एनीवेज फिलहाल अंधेरे से ही काम चला लेते हैं, थोड़ा बहुत हम भी सामान रख देते हैं, मदद कर देते भाई, रिस्टॉकर की इंसानियत तो हम में भी है, बेचारे से अकेले काम नहीं करवाएंगे, बट मैंने हाँ की सारा माल मंगा लिया था भाई, ये खाली हो चुका है एंड ये वैसे भाई अभी ये रिस्टॉकर भी थक चुका है, ये काम नहीं करना चाहता, आज का दिन यहाँ पर फिनिश कर देते हैं हम लोग एंड टोटल प्रॉफिट निगेटिव 909 हुआ है
बिकॉज हमने बहुत ज्यादा आज इन्वेस्टमेंट करी है। इन्वेस्टमेंट देखो कितना करा है हमने, सप्लाई कॉस्ट इतनी ज्यादा लग चुकी है, अपग्रेड कॉस्ट इतनी ज्यादा लग चुकी है, रेंट बिल्स टोटल प्रॉफिट इतना, स्टोर पॉइंट 200 लेवल का 200 का हो चुका है, इन्वेस्टमेंट नहीं दिखा रही कितनी हमने की यहाँ पे। देखो अभी लोन का ना उतना ही पैसा कट रहा है जितना का हमने लोन लिया है, वो फालतू का वो नहीं कट रहा है, तो ये काफी अच्छी बात है। तो अच्छा हमने लोन ले लिया फालतू में स्ट्रगल करने से अच्छा। तो आज की दुकान को स्टार्ट करते अपन, और मैं रख देता हूँ फटाफट से। ये भाई काम करना भाई, ये क्या इसमें भी अजीब सा ही ग्लिच आ जाता है। ये देखो ये यहाँ पे कुछ तो ये दो आइटम्स रख दिया, मैं इसके बॉक्स के अंदर कैसे बैठ गया, मैं इसको क्या ठोक दूं क्या, मैं थोड़ा काम नहीं करता भाई। काम कर भाई वरना मैं तेरे को फायर कर दूंगा। रैक्स आर फुल इन स्टोरेज। अच्छा अभी तो स्टोरेज में फुल है, ठीक है, तो उठा सकता है ना। ये बंदर है क्या, उल्लू लिखा है मेरे को, उल्लू दिखा स्टोरेज में रैक फुल है बोल के कुछ जा नहीं रहा है। ठीक है अब वो जा रहा है कि कहाँ पे सामान भर भी रहा है या नहीं भर रहा देख करते। ओके अब ये क्या करेगा, अब ये वापस रख के आएगा। ओके तो आई नीड टू बाय सम मोर रैक्स हियर, छोटे वाले रैक्स, ताकि मैं इधर करूँ। वैसे भी सस्ते ही है वो छोटे वाले रैक्स फर्नीचर्स में जाते हैं। एंड 200 की एक रैक है ना, ठीक है मैं मंगा लेता हूँ परचेस। चलो लेट्स गो, बॉक्स अप करते इधर। एंड इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। एंड अब मैं बॉक्सेस डाल दूंगा। ये किसका बॉक्स भाई, कॉफी का बॉक्स है तो मैं रख दिया। एंड ये आटे का बॉक्स है मैंने रख दिया, ये ऑयल का बॉक्स है मैंने रख दिया। बट ये काम चोर को अभी भी काम नहीं करने का है, काम करते हैं हम लोग। इधर थोड़ा सेटअप कर देते हैं कि कॉफीज यहाँ पे रहेगी, तब वो शायद मेरे हिसाब से काम करेगा। तो अभी ये लाइट हमको यहाँ पर लगा लेना था तो लगा लेते हैं। स्टोरेज एरिया में लाइट ही नहीं थी तो लाइट की कमी हो रही थी, हमको अंधेरे में नहीं दिख रहा था भाई। तो एक बार ना अपने को खुद से आइटम सारे रखने पड़ेंगे यहाँ पर, तब वो फिर काम करने लगेगा। तो मैंने एक एक ही चीजें मंगाया था, तो एक एक ही चीजें यहाँ पर रख देते हैं। ये क्या है, अंडे है, अंडों को मेरे को फ्रिज में रखने की जरूरत है, बट फ्रिज पूरी की पूरी भर चुकी है, फेंक देते हैं अंडों को इधर ही। ये क्या है, ऑयल है, ऑयल किधर रखा है भाई बंदे ने, ऑयल ही नहीं रखा है, तो ऑयल यहाँ पे रख देते हैं। अब जब भी ऑयल खत्म होगा ना तो वो रिस्टॉकर देगा अपने इसको, मस्त अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ओलिव ऑयल है तो ओलिव ऑयल को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। तो मैंने आई थिंक सभी का सभी माल अपने दुकान में लेकर रख दिया है। इसको फ्रिज चाहिए, फ्रिज एक और मंगानी पड़ेगी लगता है मेरे को। और यहाँ पे नवरेलो की है, इसको तो मैं स्टोरेज एरिया में रखूंगा भाई, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये काम श्री स्टॉकर करे ना कि मैं। यस ओके तो सब कुछ हो चुका है, अब मेरा काम यही रहेगा कि और मैं बॉक्स मंगा लूँ, क्योंकि वो स्टोरेज एरिया और थोड़ा खरीद लेते हैं, क्योंकि सामान की कमी नहीं होनी चाहिए अपने पास। नहीं या फिर रैक शेल्फ खरीद ले, वैसे शेल्फ की जरूरत तो नहीं है अपने को फिलहाल, बट मुझे लगता है एक और शेल्फ ऐड कर लेना चाहिए अपने को। ओके मैं परचेस कर लेता हूँ एक और शेल्फ, आ चुका है। यहाँ पे मैंने एक और शेल्फ लगा ली है, उसको एग्स नहीं मिले, एग्स का पैकेट। अरे फ्रिज अपने को खरीदनी थी एक और, फ्रिज भी खरीद लेते बिकॉज फ्रिज में जगह नहीं बची है। तो ये 375 वाली में फ्रिज खरीद लेता हूँ, परचेस लेट्स गो। इसमें फ्रिज को यहाँ पे लगा लेता हूँ, इसे एकदम बगल में ही, काकी यस ओके। एंड अब रखते हैं ना अंडों को इधर मस्त, एंड इसको भी रख देते हैं क्योंकि इसके लिए भी जगह अपने पास नहीं थी। तो अपने पास अभी मस्त दो बड़े बड़े फ्रिज भी आ चुके हैं, एंड अंडे वंडे सब कुछ हम लोग रख पाएंगे अभी। बट इसको स्टिल कुछ तो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, नहीं इसको मिल गया, ये इसको ही ढूंढ रहा था शायद। अच्छा है हमने अभी मैंने रख दिया था उधर बॉकर के। एंड इस कोल्ड ड्रिंक को भी हम लोग इसको ना स्टोरेज एरिया में रख देता हूँ मैं, ताकि जब भी खत्म हो तो वो अपना रिस्टॉकर उसको रिस्टॉक कर दे, ताकि अपना कभी भी सामान दुकान में कम। यस तो बत्ती जला देते हैं, लेट्स गो। एंड आज का दिन हम लोग यहाँ पर समाप्त तो नहीं कर सकते क्योंकि 9 बजने के हैं, बट मैं यहाँ पर सामान ऑर्डर करने वाला हूँ अभी फटाफट से, क्योंकि आखिरी से ऑर्डर करते हैं। योगर्ट्स, चॉकलेट बार, ये 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 सब मंगा लेते हैं। ये 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 जैप सोडा तक के हम लोग आए थे, तो हाँ ये वाला कोला मंगा लेते हैं, ये मंगा लेते हैं, ये 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 दिस वन एंड दिस वन। मैं इतना सारा सामान इसलिए मंगा रहा हूँ बिकॉज मेन तो चीज़ तो सामान ही है ना, अपने पास सामान रहेगा, कस्टमर्स आएंगे, कस्टमर्स खरीदेंगे, हम लोग प्रॉफिट में बेचेंगे, ज्यादा प्रॉफिट होगा, मस्त मजा आएगी। फिलहाल मैं अभी प्राइस चेक कर लेता हूँ अंडों का, मस्त महंगे में बेच रहा हूँ मैं इसको, 2 रुपये में बेच रहा हूँ, मार्केट प्राइस भी 2 रुपया ही है। सही है भाई, एंटर करो उस दुकान को, मैं नहीं बंद करना चाहिए था यार, कस्टमर्स थे यार, मैं क्यों मैं बंद क्यों किया मैंने, शिट मुझे बंद नहीं करना चाहिए था, उतने सारे कस्टमर्स थे अपने पास। एनीवेज अपना बहुत सारा सामान आ चुका है, तो एप्पल जूस को हम लोग खत्म हो गया है, एप्पल जूस वापस रखो, वापस एप्पल जूस अपने पास है, तो इसको तो मैं इधर स्टोरेज एरिया में रख दूंगा। एंड ये क्या है, ये भी सोडा है, तो सोडा का भी अपने पास बहुत स्टॉक है, तो सोडा को भी मैं इधर रख देता हूँ। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज अंडे, तो अंडे का स्टॉक अपने पास, अंडों का, बट यहाँ पर और अंडे रख देते हैं। यस नहीं अंडों को भी हम लोग स्टोरेज में ही रखेंगे भाई, वो जब खत्म होगा तब वो बेच देगा ना अपने आप, रिस्टॉकर का काम तो यही है ना, रिस्टॉक करना, खत्म हो जाएगा तो रख देगा। मतलब यहाँ पे मैंने रख दिया उस, एंड ये योगर्ट है, योगर्ट्स को भी मुझे रखना पड़ेगा नीचे यहाँ पे रख दो। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज जैप सोडा, भाई पूरा फ्रिज का आइटम ही है भाई इस बार, तो फ्रिज एक यहाँ पे रख दो। एंड ये स्पैगेटी है, तो स्पैगेटी मैंने कहीं पे रखा है या नहीं रखा है इधर शॉप, स्पैगेटी, अरे हाँ स्पैगेटी मैंने तो कहीं रखा ही नहीं है, तो स्पैगेटी यहाँ पे रख देते हैं। एंड ये इस, ये तो हमने रखा है, तो इसको ये रिस्टॉकर रिस्टॉक कर देगा, इसको यही पे रख देते हैं। ओलिव ऑयल अभी तक हमने नहीं रखा है, सेट करके नहीं रख, सेट करके तो, पर अभी मैं भरी देता हूँ भाई। एंड यहाँ पर है
मिल्क अभी अपने शॉप में मिल्क नहीं मिल रहा है, तो मिल्क यहाँ पर बेच देते भाई। मिल्क नहीं बेच रहे थे हम लोग, देखो क्या है भाई, मिल्क नहीं भेज रहे थे, तो मिल्क मैं दो रख देता हूँ इधर, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। एंड व्हाट्स दिस, ये क्रिस्पी एंड चिबी है, इसका भी अपने पास रैक नहीं है कोई भी डेडिकेटेड, यहाँ पे रख देते हैं। एंड बायो जूस के लिए तो अपने पास डेडिकेटेड था, इसलिए हम लोग इधर नीचे रख देंगे इसको, बायो जूस। एंड यहाँ पर पीनट बटर है, पीनट बटर के लिए भी अपने पास जगह नहीं थी, तो मतलब डेडिकेटेड स्लॉट नहीं था, तो पीनट बटर मैंने रख दिया यहाँ पर इसलिए। एंड इसके लिए अपने पास जगह है, बट मैं चाहता हूँ कि दो जगह पे हम लोग इस चीज को रखें, तो मैं रख दूंगा इसको यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ये बिस्किट, तो बिस्किट के लिए भी कोई डेडिकेटेड स्लॉट नहीं है, तो लिए हमने बना दिया डेडिकेटेड स्लॉट। यहाँ पर पेपाइट्स जो भी था वो था, हमने रख दिया। एंड यहाँ पे टर्को के लिए अपने पास अदर जगह, तो मैं इसको रिस्टॉकिंग के जगह पे रख दूंगा। रिस्टॉकर से मस्त काम करवा रहा हूँ मैं तो। नमक के लिए भी जगह नहीं बनाई थी हमने, तो नमक भी रख देते हैं। तो अभी अपने पास लगभग सारे आइटम्स है जो कि दुकान में अपने मिलते हैं, है कि नहीं, बराबर है ना। ये सुप्रीमा कुछ तो अजीब सा ही है, राइस आई थिंक, नहीं राइस नहीं है, ये फ्लोर ही है। एंड यहाँ पे कॉफी पाउडर है, तो कॉफी पाउडर के लिए भी हमने जगह नहीं रखी है, तो कॉफी पाउडर नीचे बेच देते हैं। लेट्स गो। देखो अभी अपने इतना सारा सामान मंगाया था, बट अभी अपने पास सामान खत्म हो चुका है एंड रैक भी कम्प्लीटली नहीं भरी। अभी मैं वापस मंगा लेता पूरा का पूरा आइटम्स, एंड इस बार दो दो के पैकेट्स मंगाऊंगा मैं, तो पास्ता तक के हमने मंगा लिया है, परचेस करो इसको। एंड शुगर दो पैकेट्स, पानी के दो पैकेट्स, इसके दो पैकेट्स, इसके दो पैकेट्स, इसके दो पैकेट्स एंड इसके दो, ओके मिल्क ओके हमको बाद में खरीदना पड़ेगा, ओके मैं मंगा लिया। इसके दो पैकेट्स, 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 यस। अरे अपने पास उतना पैसा ही नहीं है अभी, तो देखो मैं बोल रहा हूँ निगेटिव में जाऊंगा यार इस बार भी मैं फिर से, बट इस बार हम लोग निगेटिव में नहीं जाएंगे बिकॉज अपने दुकान में बहुत ज्यादा माल मसाला सामान है। बट मुझे ना ये चीजें भाई रिमूव करो कार्ड से, इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना का है, अपने पास कुछ बैंक बैलेंस होना चाहिए एटलीस्ट कि हम लोग निगेटिव में ना रहे। तो अभी बहुत सारा समय बचा है अपने पास रात के 9 बजने से पहले, तो अपन काफी सारा पैसा कमा लेंगे बिकॉज अपने पास बहुत सारा माल है। एंड उधर स्टॉकर भी अपना है जो कि बार बार माल भरते जा रहा है, माल भरते जा रहा है। फिलहाल अपने पास इतने सारे बॉक्सेस यहाँ पे कलेक्ट हो चुके हैं, तो हम लोग इधर अगर अपने पास स्टोरेज एरिया में जगह होगी तो हम लोग उधर भर के रख देते हैं। मुझे लगता है कि स्टोरेज एरिया में हमने को एक और रैक की जरूरत है, बट फिलहाल काम चल रहा है तो उसको चलने देते हैं। जब जरूरत होगी एकदम की जगह ही नहीं बची है भाई बिल्कुल भी, तब हम लोग कर लेंगे रैक का इंतजाम भी। पानी हम लोग वैसे फ्रिज में नहीं बेच रहे, तो पानी में बेच देता हूँ। काफी सारे आइटम्स ऐसे हो गए थे कि हम लोग बेच ही नहीं रहते, स्टार्टिंग में बेचा बट बाद में छोड़ ही दिया था उनको बेचना बिकॉज हमारे पास पैसा ही नहीं रहता था। और पानी के बोटल्स के रेट्स भी चेक कर लेता हूँ मैं बिकॉज मैंने काफी सारे दिनों से पानी के बोटल का रेट चेंज नहीं किया, तो ठीक है महंगे में बेच रहे 2.55 डॉलर्स मार्केट प्राइस रेट चल रही, बट हम लोग 3.00 डॉलर्स में बेच रहे उसको। डैम नाइस सो गुड। अपने पास काफी सारे बॉक्सेस यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो मैं इधर उसको इधर डालूंगा, बट इधर कोई भी जगह ही नहीं बची है, लेजिट नो जगह इज हियर रिमेंस। मुझे खरीदना तो है रैक, बट आज अभी वेट कर लेते हैं, आज थोड़ा पैसा होने देते हैं अपने पास, बाद में रैक खरीदेंगे। फिलहाल अपने पास बहुत सारे कस्टमर्स की यहाँ पर भीड़ लग चुकी है, मीन बहुत सारे, तो इन सभी का चेकआउट करते हैं। एंड देन अपने पास आई थिंक 500-600 डॉलर्स हो जाएंगे, तो मैं फिर कल रैक मंगा लूंगा इसको। एप्पल जूस तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है। फिलहाल देखते हैं कि ना कस्टमर्स को ऐसे कौन सी चीज यहाँ पर नहीं मिल रही। फिलहाल फ्रिज में बहुत ज्यादा भसड़ है भाई, ये बेचारा अपना रिस्टॉक का सामान ही नहीं रख पा रहा, क्या ही भसड़ है भाई, क्या ही डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है फ्रिज के आइटम्स की। इधर कोई आ जाओ भाई, योगर्ट अंडे किसी को नहीं खरीदने का है क्या, मिल्क भी किसी को नहीं खरीदने का, ये कोल्ड ड्रिंक्स खरीदने का है सब। ये रोड से कोई गाड़ी वाड़ी ठोक देगा तो इसको मैं इधर ला लेता हूँ सामान को, ओके मैंने यहाँ पे रख दिया है। एंड हाँ, अरे क्या हो गया भाई, ये लड़ाई झगड़ा कर रही क्या, सबको मिलेगा डोंट वरी। फिलहाल 480 डॉलर्स अपने पास हो चुके हैं आज। मेरे को काफी ज्यादा ऐसी खुशी महसूस हो रही है कि अपने शॉप में इतना सारा अभी माल पड़ा है काफी दिनों के बाद। मेरे लास्ट वाले वीडियो का टारगेट था कि बिकमिंग अ मिलियनेयर इन सुपरमार्केट सिमुलेटर, बट उसमें नहीं हो पाया था बिकॉज वही मैं बोल रहा हूँ वो ग्लिच हो चुका था कि लोन हमने रिपे भी कर दिया था, बट फिर भी वो पैसा कट रहा था, तो मैं उदास हो गया, मायूस हो गया, मैं अनइंस्टॉल करने की बात कर रहा था। बट अभी इसमें मैंने गेम को ट्रिक कर दिया, मैंने लोन लिया बट वो एक ही का पैसा काट रहे जो पहले वो काट रहे थे, तो बहुत अच्छी बात है ये। फिलहाल ये लोग हैंग क्यों हो चुके हैं, आज का दिन लगता है खत्म हो चुका है, तो अभी वो इसके बाद शॉपिंग नहीं करेंगे बिकॉज ये बंदे लेजिट यहाँ पर नाच रहे हैं। गेम में बहुत सारी दिक्कत है, लेजिट बहुत सारे लैग्स है, प्लीज इंप्रूव करो सुपरमार्केट सिमुलेटर, प्लीज इंप्रूव करो भाई। एंटर करते आज का दिन फिनिश करते हैं, लेट्स। भाई ये सप्लाई कॉस्ट, ये आई थिंक ये हमने इतने का सामान मंगाया, आज इनकम इतनी की हुई, तो नेट प्रॉफिट आज अपना नेट प्रॉफिट हुआ है भाई, आज अपना नेट प्रॉफिट हुआ है 208 डॉलर्स। वाओ, सो फार सो गुड, हमने अभी तक के काफी सारी चीजें कर दी है। फिलहाल ये रिस्टॉकर आइए, मैं इसको धकेलते इधर ले आया, ठीक है मैं स्टॉक कर ही देता हूँ इसको। तो आज के दिन को शुरुआत हम लोग कर देते हैं, फिलहाल कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, एंड आज का दिन लगभग 46-47 चल रहा होगा। तो हाँ, इस वाले वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, आई होप तुमको ये वाली वीडियो पसंद आई हो। भाई हमने -161 डॉलर से स्टार्ट किया था, एंड फिलहाल हमारे पास 327 डॉलर अपने पास बच जाते दिन के शुरुआत के, मतलब पिछले दिन का देखा जाए तो 508 डॉलर समथिंग था अपना अर्निंग, बट लोन वोन बिल विल में थोड़ा 200-300 कट जाते हैं। तो अपने को कोशिश ये करना है कि रोज अपने पास बैलेंस एटलीस्ट 200-300 रहे, ताकि हम लोग निगेटिव में ना जाए एटलीस्ट। एंड फिलहाल हम लोग अभी फिलहाल तो नहीं जाएंगे निगेटिव में बिकॉज हमने भरा
भड़ाभड़ करके मस्त एक ही दिन में रिस्टॉक वस्टॉक सब कर दिया था, अपना आइटम इन्वेंटरी साइज बढ़ा दिया था, सारे आइटम्स बेचने लग गए थे। तो ये जो हमने इसके पहले वाला दिन हमने खेला आज के इस वीडियो में, तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था जिस दिन हमने लोन लिया। दैट वॉज अ वेरी गुड डिसीजन। तो समटाइम्स लोन लेना अच्छी बात होती है। एनीवेज, ये रिस्टॉकर पागल हो चुका है, तो गेम को बंद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन कर देना। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अंटिल देन बाय।